दोस्तों, क्या एक मजदूर कनाडा जाकर के काम कर सकता है? क्या एक ऐसा इंसान जो कि 8वीं पास है, 7वीं पास है, जिसके पास बिल्कुल भी एजुकेशन नहीं है, क्या वो कनाडा जाकर के काम कर सकता है? तो इस सवाल का जवाब है दोस्तों, हाँ। और वो कैसे कर सकता है, कैसे आप जॉब सर्च कर सकते हैं अपने लिए बिना एक्सपीरियंस वाली जॉब, बिना एजुकेशन वाली जॉब, बिना अंग्रेजी वाली जॉब, तो भैया वीडियो के एंड तक बने रहना, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरा का पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं। दोस्तों, आपको सिर्फ वेबसाइट पर ले जाकर के दिखाऊंगा नहीं, बल्कि मैं खुद अप्लाई करके दिखाऊंगा कि कैसे एक मजदूर, कैसे एक ऐसा इंसान जिसको मोबाइल तक चलाना नहीं आता, जिसको लैपटॉप तक चलाना नहीं आता, वो कैसे मेरे बताए हुए स्टेप्स को फॉलो करके एक जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है, वो भी कनाडा में। दोस्तों, इसीलिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं पब्लिक इंजन। आज के इस वीडियो में बात होने वाली है कनाडा के जॉब्स की। कनाडा में बहुत सारी, मतलब बहुत बड़ी लेबर शॉर्टेज पड़ी हुई है दोस्तों, और वहां पर लोगों की बहुत बड़ी डिमांड है। अभी वहां पर अलग अलग टाइप के जॉब रोल्स अवेलेबल हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा उन जॉब्स के बारे में दोस्तों, जिन जॉब्स के लिए आप बिना एजुकेशन, बिना एक्सपीरियंस के अप्लाई कर सकते हैं, बहुत आसानी से अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। और वो कैसे कर सकते हैं मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, इसीलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा दोस्तों। अभी इस वक्त कनाडा में बहुत सारे फॉरेन वर्कर्स की डिमांड है दोस्तों। कनाडा की गवर्नमेंट जो है अलग अलग टाइप के स्कीम्स चालू कर रही है, जिसके जरिए जो है कनाडा में लोग आ सके और वहां जाकर के काम कर सके और उनकी जो लेबर शॉर्टेज पड़ी हुई है दोस्तों, उसको फुलफिल कर सके। इसीलिए कनाडा गवर्नमेंट अलग अलग स्कीम निकाले जा रही है कि भैया बस आ जाओ हमारी कंट्री में, आ जाओ, हम देंगे पैसे, हम देंगे आपको पीआर, हम आपको रहने की जगह देंगे, हम आपको खाना देंगे, हम सब कुछ देंगे, बस आकर के काम कर लो, ठीक है। और इस मौके का फायदा उठा सकते हैं आप लोग। आप लोग ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए कि आपके पास नॉलेज नहीं है, आपके पास एजुकेशन नहीं है, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप कनाडा नहीं जा सकते दोस्तों। अगर आप 21 साल के हैं, 18 साल से ऊपर हैं दोस्तों और 50 साल के नीचे हैं, तो आप आराम से कनाडा जाकर के किसी भी काम के लिए अपने, मतलब किसी भी काम को चुन सकते हैं और उसके लिए लाखों रुपए कमा सकते हैं दोस्तों। महीने के लाखों रुपए की बात कर रहा हूं मैं, महीने के लाखों रुपए कमा सकते हैं, जिसके जरिए दोस्तों आप अच्छी खासी सेविंग भी कर पाएंगे और अपने परिवार तक दोस्तों अच्छे खासे पैसे भी भेज पाएंगे। आज के इस वीडियो में इसी मुद्दे पर बात होने वाली है। तो अगर आप भी इन जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आप भी जाना चाहते हैं कनाडा, अगर आप भी कनाडा में ऐसी जॉब सर्च कर रहे हैं दोस्तों, जिसके लिए एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, एजुकेशन की जरूरत नहीं है, आईएलटीएस क्लियर नहीं करना पड़ेगा दोस्तों, तो भैया आज का ये वीडियो आपके लिए ही है। अगर आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आपको चाहिए होगा एक कैनेडियन फॉर्मेट का सीवी और कवर लेटर। दोस्तों, एक कैनेडियन फॉर्मेट का सीवी और कवर लेटर बना के तैयार कर लीजिए, उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं कनाडा में ऐसी जॉब्स के लिए अप्लाई करने के लिए, जिन जॉब्स के लिए एक्सपीरियंस वगैरह की जरूरत नहीं है। आप एक अच्छे से सीवी कवर लेटर बना सकते हैं खुद से गूगल के जरिए, और अगर आप खुद नहीं बना पा रहे दोस्तों, तो आप हमारी हेल्प ले सकते हैं, हम आपका सीवी और कवर लेटर बना के देंगे मात्र 2 से 3 दिनों में, और उसके बाद आप भी दोस्तों कनाडा की जॉब्स के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो दोस्तों, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं आपको वेबसाइट पर ले चलता हूं और आपको एकदम बच्चों की तरह समझाता हूं, बच्चों की तरह एक एक चीजें दिखाऊंगा कि कहां पर जाना है, कहां पर सिलेक्ट करना है, किस चीज को क्लिक करेंगे और कैसे जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, सारी की सारी चीजें बताऊंगा दोस्तों, इसीलिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए ले चलता हूं आपको अपने लैपटॉप स्क्रीन पर। दोस्तों, अगर आप कनाडा में बिना एक्सपीरियंस और बिना एजुकेशन वाली जॉब सर्च करना चाहते हैं, तो आपको गूगल पे जाना होगा और गूगल पे जाकर के टाइप करना होगा जॉब बैंक। आपको जॉब बैंक की स्पेलिंग सही सही टाइप करनी हो दोस्तों, और उसके बाद सर्च कर लेना है। एक बार जब आप सर्च कर लेंगे, तो आपके सामने जो है एक नया पेज खुलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे लिंक्स दिए गए हैं, हमें इन सारे लिंक्स पर क्लिक नहीं करना है दोस्तों, हमें सिर्फ पहले वाले लिंक पर क्लिक करना है जिस पर जॉब बैंक लिखा हुआ है। जॉब बैंक पर क्लिक करेंगे और हम जो है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे, और वहाँ से दोस्तों हम जो है बहुत सारी जॉब्स के लिए सर्च कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इनकी वेबसाइट खुल चुकी है, ऊपर लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ कनाडा, और फ्रेंच में भी वही लिखा हुआ है दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ कनाडा। यहाँ पर टाइटल डालना है आपको जॉब का, लोकेशन वगैरह सिलेक्ट कर सकते हैं, और एडवांस में जाकर के आप अपने हिसाब से जॉब सर्च कर सकते हैं। तो हमें भी एडवांस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है दोस्तों, और अपने हिसाब से जॉब सर्च कर लेनी है। अभी आप देखेंगे यहाँ पर 1,11,000 जॉब्स अवेलेबल हैं, लेकिन इसमें से 70 से 80% जॉब्स ऐसी हैं दोस्तों, जिन जॉब्स के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हमको जो है अपने हिसाब से जो है यहाँ पर एडवांस्ड वाले ऑप्शन में सिलेक्ट करना होते हैं कुछ चीज़ों को, और उस हिसाब से जो है फिर जॉब हमारे पास आती है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने सारे ऑप्शन हैं, यहाँ पर आप हिसाब से अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं, आपको कितनी एजुकेशन है, आपके पास कितनी एक्सपीरियंस है, कौन मतलब कितनी सैलरी लेना चाहते हैं, उस हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हैं जॉब्स। अब यहाँ देख सकते हैं एजुकेशन एंड ट्रेनिंग वाले ऑप्शन में आपके पास जो एजुकेशन है दोस्तों, उस हिसाब से आप जॉब सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया नो एजुकेशन रिक्वायर्ड पर क्लिक कर लिया दोस्तों, और यहाँ देख सकते हैं ग्रीन टिक हो चुका है। अब यहाँ देख सकते हैं ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस,
ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस वाला एक ऑप्शन है, इसमें पूछा जा रहा है कि एक साल से कम का एक्सपीरियंस है, एक साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है या फिर नो एक्सपीरियंस है। जैसे ही नो एक्सपीरियंस पर क्लिक करोगे दोस्तों, तो यहाँ पर 8,350 जॉब्स ऐसी हैं जिनके लिए आपको ना एजुकेशन की ज़रूरत है और जिनके लिए ना तो आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, ठीक है। बिना एजुकेशन बिना एक्सपीरियंस वाली जॉब्स हो गई। अब हमें नीचे की तरफ आना है और यहाँ पर देख सकते हैं इंटेंडेंट एप्लीकेंट्स, यानी कि एप्लीकेंट्स ऐसे एप्लीकेंट्स जो कि भैया कनाडा के बाहर के एप्लीकेंट्स हैं और जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो हमें जो है नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है और ऊपर की तरफ स्क्रॉल कर लेना है। यहाँ पर देख सकते हैं एम्प्लॉयमेंट ग्रुप्स के बारे में भी दिया गया है दोस्तों, अगर आप बूढ़े हैं या फिर अगर आपको थोड़ा कम दिखाई देता है, अगर आप नौजवान हैं, फ्रेशर हैं, अलग अलग टाइप के यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं जिसके हिसाब से जो है आप अपने जॉब को सर्च कर सकते हैं दोस्तों, और आपको ऐसी जॉब मिलेंगी भी। अब यहाँ देख सकते हैं कि 2600 कुछ जॉब्स, 2700 करीब कुछ जॉब्स ऐसी हैं जिनके लिए आपको एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है, एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, और आप मतलब कनाडा के बाहर रहते हैं फिर भी आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पहली ही जॉब आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन लेबर की जॉब है, फिर उसके बाद किचन हेल्पर, सर्वर, ऑटो डिटेलर, जनरल फार्म वर्कर, किचन हेल्पर, फूड काउंटर अटेंडेंट, ये सारी ऐसी जॉब्स हैं दोस्तों जिसके लिए ना तो एक्सपीरियंस की ज़रूरत है ना ही एजुकेशन की। मैंने जैसा कि आपको वीडियो में बार बार बोला कि आप बिना एक्सपीरियंस बिना एजुकेशन के भी जा सकते हैं, यहाँ 2700 के करीब ऐसी जॉब्स है दोस्तों और उन जॉब्स के लिए आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। अब सपोज मैं सारी जॉब्स के बारे में तो आपको बता नहीं सकता, सारी जॉब्स अप्लाई करके दिखा नहीं सकता, एक जॉब के लिए अप्लाई करके दिखा देता हूँ। अगर आप कंस्ट्रक्शन लेबर की जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो सिंपली उस जॉब पर क्लिक कर लेंगे दोस्तों, यहाँ पर सारी की सारी डिटेल्स आपको देखने के लिए मिल रही है। अंग्रेजी लैंग्वेज चाहिए, बेसिक अंग्रेजी में आप काम निपटा सकते हैं, एजुकेशन बिल्कुल भी नहीं चाहिए, नो डिग्री वगैरह भी होगी तब भी आप चला सकते हो, एक्सपीरियंस भी नहीं चाहिए, आपको ट्रेनिंग मिलेगी। टास्क आपको क्या क्या करना पड़ेगा दोस्तों, ये भी यहाँ पर सारी की सारी डिटेल्स लिखी गई है, और साथ ही दोस्तों जॉब से रिलेटेड बहुत सारी डिटेल्स के बारे में भी दिया गया है यहाँ पर। और यहाँ नीचे की तरफ अगर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है भैया यहाँ पर ये इक्वल अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयर है, यहाँ पर हर टाइप के इंसान जो है, हर टाइप का वर्कर जो है जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है। साथ ही यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि भैया अदर कैंडिडेट्स विद और विदाउट अ कैनेडियन वर्क परमिट, और उसके बाद नीचे हाउ टू अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ एक ईमेल आईडी दिया जाएगा दोस्तों। इस ईमेल आईडी को सिंपली आपको कॉपी कर लेना है, आपको कॉपी कर लेना, याद रखिए। कॉपी करने के बाद आपको मेल अपना खोलना है, मेल में खोल के इस कॉपी मतलब ईमेल आईडी को टू वाले ऑप्शन में वो कॉपी कर देना है दोस्तों, पेस्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको सब्जेक्ट में लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन लेबरर, आपको ये सारी चीज़ें ध्यान से लिखनी है दोस्तों। अगर आप किसी और जॉब पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, अगर आप किसी और जॉब रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो वहाँ पर उस जॉब रोल के हिसाब से जो है आपको लिख देना है कि एप्लीकेशन फॉर द हेल्प ऑफ पेंटर, प्लम्बर, किचन हेल्पर, जो भी लिखना चाहते हो। और एप्लीकेशन में आप ये सब्जेक्ट में आप ये रेफरेंस नंबर देना मत भूलिएगा दोस्तों, जो कि आपके जॉब के डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगी। यहाँ पर आप ये रेफरेंस नंबर दोगे तो आप मतलब एम्प्लॉयर को जानने में आसानी होगी कि हाँ भाई आपको जो जॉब के बारे में पता चला है जॉब बैंक के जरिए। तो ये रेफरेंस नंबर डालने के बाद आप यहाँ पर अपना कवर लेटर पेस्ट कर सकते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, मैंने अपने कवर लेटर को कॉपी किया और अपने कवर लेटर को यहाँ सिंपली पेस्ट कर दिया है। मैं हमेशा से यही बोलता रहता था कि कवर लेटर को पेस्ट करना है आपको और सीवी को अटैच करना है। अब जैसे कि कवर लेटर को पेस्ट कर दिया दोस्तों, अब हमारी बारी आती है सीवी को अटैच करने की। तो सिंपली सीवी आपके जो भी जिस भी फोल्डर में है आपको वो सीवी ढूंढ लेना है दोस्तों। ढूंढ क्या लेना है, मतलब आपको पता ही होगा कि कहाँ पर है। सीवी को सिलेक्ट कर लेना है। सीवी को सिलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा सीवी अटैच हो चुका है। सीवी अटैच हो गया दोस्तों, अब आपको कुछ करना नहीं है। आपका देखो यहाँ पर मेल आईडी भी डाल दिया, वो सब्जेक्ट भी डाल दिया आपने, और उसके बाद कवर लेटर वगैरह सीवी अटैच करके भेज भी दिया। सेंट वाले ऑप्शन में देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो है आपका ईमेल सेंट हो चुका है दोस्तों, और अब आपका जो है प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो चुका है। आपने देखा दोस्तों कि कैसे 5 मिनट के अंदर मैंने जॉब्स के लिए अप्लाई करके बता दिया आपको। अगर आप इसी तरीके के मतलब जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं दोस्तों, तो आपको करीब 1 घंटा हर दिन देना होगा। आप 1 घंटा अगर हर दिन देते हैं अपनी जॉब सर्चिंग और जॉब अप्लाइंग को, तो आप भी कनाडा में बहुत सारी जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकेंगे दोस्तों। उसके बाद आपके भी मतलब सिलेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इसीलिए मैं तो बस इतना ही बोलूंगा दोस्तों कि वेट करना छोड़िए और जॉब्स के लिए जल्दी जल्दी अप्लाई कीजिए। पर देखा दोस्तों कितनी आसानी से आप भी कनाडा में मजदूरों की जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कनाडा में ऐसी जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिसके लिए एजुकेशन की जरूरत नहीं है, ऐसी जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिसके लिए एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। तो भैया अगर आप कम पढ़े लिखे हैं, अगर आप फ्रेशर हैं, अगर आपको ज्यादा अंग्रेजी नहीं आती है, तो चिंता करना छोड़िए, बस अपने मन पसंदीदा जॉब के हिसाब से एक सीवी और कवर लेटर बनाइए दोस्तों, और उसके बाद जो है जॉब्स के लिए अप्लाई करना चालू कर दीजिए। आपको पूरा का पूरा प्रोसेस मैंने बता दिया कि आपको जॉब्स के लिए कैसे अप्लाई करना है। वीडियो देखिए, वीडियो को सीखिए और फिर जॉब्स के लिए अप्लाई कीजिए दोस्तों। मैं बस आपको इतना ही बोलना चाहता हूं, मैं अपनी हर वीडियो में बस इतना ही बोलता हूं दोस्तों कि आप अप्लाई जरूर किया कीजिए, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन हम सिर्फ आप लोगों के लिए लेकर आते हैं ताकि आप भी इंडिया से बाहर निकल सको, अपने लिए पैसे कमा सको दोस्तों और अपनी जिंदगी संवार सको। तो भैया ये था हमारा आज का वीडियो, आई होप कि आपको ये वीडियो
पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।